वहीं हापुड़ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव भारती ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए 13 लोगों को 22 जद बरी कर दिया है। इनमें से 11 जमाती थाईलैंड से हैं और एक ग्राम प्रधान है और एक मदरसा संचालक है। जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा पुलिस ने पिछले वर्ष 1 अप्रैल को कोरोना काल में महामारी फैलाने और पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करने का मुकदमा दर्ज किया था। लगभग 1.5 वर्ष तक चली सुनवाई के दौरान मंगलवार को न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है। अधिवक्ता जमील अहमद, अधिवक्ता पराग सक्सेना और अधिवक्ता उम्मेद अली ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। ये पिछले जब कोरोना फैला था, कोरोना के समय में पुलिस थाना पिलखुवा द्वारा हावल के एक मदरसे में कुछ लोग जो अपने धार्मिक दर्शन के लिए आए हुए थे और कुछ उसमें इंडियंस 4 लोग शामिल थे, उनको पुलिस ने महामारी फैलाने के लिए और पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करने के संबंध में उनको पकड़ा था और उनको क्वारंटाइन किया था और उनके ऊपर चार्जशीट लगा कर भेजा था। ये ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था और हमने और हमारे सीनियर साथी उमेश जी ने इसको कंडक्ट किया, हमारे साथी जमील भाई, हम तीनों ने इस मुकदमे को कंडक्ट किया और ऊपर वाले ने हमें इसमें सफलता दिलाई है। कानून की बहुत बड़ी आज जीत हुई है। पुलिस ने ये मामला जो रंजिशन और राजनीतिक के असर में इन पर झूठा बनाया था, अदालत ने इस मामले को बिल्कुल झूठा पाया है। किसी भी ऑफेंस में हमारे किसी भी अभियुक्त को दोषी नहीं पाया गया है और ये पाया गया कि पुलिस का ये मामला पूर्ण रूप से झूठा था। और आज हम इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं कि हिंदुस्तान में आज एक बहुत बड़ी कामयाबी इस बात की है कि एक कानून का पालन हुआ है और अदालत ने निर्दोष लोगों को छोड़ दिया। तो कहां कहां से थे लोग ये? इसमें 9 लोग थाईलैंड के थे, 4 लोगों में से हमारे यहां के थे, 2 रांची के थे और ये यहां पर हावल की तरफ के थे। और किसी भी मुलजिम द्वारा कोई महामारी फैलाने का या पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल का मामला नहीं पाया। इसमें जो 9 थाईलैंड के लोग थे और 4 जो है वो इंडियन लोग थे जिनके खिलाफ ये मुकदमा चला था। अदालत ने जो है इनको सभी धाराओं में बाइज्जत बरी किया है। जो जो पुलिस ने इसमें धाराएं लगाई थी उन्हीं में सब में बाइज्जत बरी किया है। हम अदालत का बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है वो लीगली बहुत अच्छा फैसला दिया है। क्या मामला था पूरा? जो मामला ये था कि 9 लोगों को पकड़ा गया था, एक मदरसे से, हाबल के मदरसे से पकड़ा गया था और उस हाबल के मदरसे में इन लोगों को पकड़ करके इनके खिलाफ मुकदमा किया था। धारा 269, 270 और आरोप बता रहा हूँ ना, 269, 270 और 114A। इनका आरोप ये था कि इन्होंने जो है वो कोरोना फैलाया है और अपने पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया है, ये इन पर आरोप था। तो अदालत ने ये माना है कि ना इन्होंने गलत इस्तेमाल किया और ना इन्होंने किसी को कोरोना फैलाया।